तो गाइस कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास एक 3-in-1 प्रोडक्ट है जिसका नाम है जैबरोनिक जैब साउंड बूम X1। दोस्तों इसे मैंने 1400 रुपए में Amazon से परचेज कर लिया था। इसमें आपको TWS के साथ आपको इनबिल्ट स्पीकर, इनबिल्ट टॉर्च भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों 2 दिन से मैं इसे यूज भी कर रहा हूं, तो सारे फीचर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इसको लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो भाई बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। बॉक्स के ऊपर में जैबरोनिक की ब्रांडिंग, यहाँ पे इसके कुछ की हाईलाइट मिल जाएंगे, और दोस्तों बैक साइड में भी आपको कुछ की हाईलाइट मिल जाएंगे। और दोस्तों ये आपको 3 कलर्स में मिलने वाला है, ब्लैक, व्हाइट और ब्लू। व्हाइट मेरा थोड़ा सा ज्यादा फेवरेट है, इसलिए मैंने व्हाइट परचेस किया था। तो ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैं पहले ही इसे ओपन कर चुका था, लेकिन मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि बॉक्स कॉन्टेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों हमारा TWS मिल जाएगा। अभी इसे थोड़ा साइड कर लेते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स कंटेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पे आपको एक QR कोड दे रखा है, उसे आपको स्कैन करना है और आप यूजर मैनुअल पढ़ सकते हैं। और आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगा टाइप सी इंटरफेस के साथ, और केबल की क्वालिटी की बात करूं तो ठीक ठाक आपको मिल जाएगी। बात करते हैं अपने मेन यूनिट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसके बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा है। यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिलेगा। अगर आप नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको TWS देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसमें जो प्लास्टिक यूज किया है वो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा है, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था 1400 रुपये के प्राइस पॉइंट में। और दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ बटन्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर पाओगे स्पीकर के। और दोस्तों यहाँ पे आपको स्पीकर पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको 4 लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, जो आपकी बैटरी स्टेटस बताने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ से आप अपनी टॉर्च को ऑन ऑफ कर पाओगे कुछ इस तरीके से। और दोस्तों बैक साइड में कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जैबरोनिक की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो स्पीकर को ऑन करने के लिए आपको इस वाले बटन को थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना है, आपका स्पीकर है ऑन हो जाएगा। अगर आपको TWS कनेक्ट करने अपने डिवाइस में, तो उसे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों सिंपली आपको ब्लूटूथ को ऑन करना है आपके डिवाइस का। और दोस्तों यहां पे आपको 2 डिवाइस शो हो जाएंगे, जैबरोनिक जैब बूम X1, मतलब आप अपने TWS को कनेक्ट कर पाओगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको जैबरोनिक साउंड बूम X1S दिख जाएगा, जिससे आप अपने स्पीकर को कनेक्ट कर पाओगे। तो भाई मैंने अपने TWS और स्पीकर को कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे दोस्तों अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी ऑडियो AAC का कोडेक भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो पेयरिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिटिंग और कंफर्ट की बात करूं तो दोस्तों अगर आप इसे जिम वगैरह में यूज करोगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि दोस्तों देख पा रहे होंगे ऐसा लग रहा है मेरे ईयर में सिर्फ ये लटका हुआ है। अगर आप इसे रनिंग वगैरह करोगे या ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है, आपके ईयर से ये निकल जाएगा। तो इसके जो टच कंट्रोल है वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, ये बात मुझे काफी अच्छी लगे है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बर्ड्स आपको IPX4 की वाटर रेसिस्टेंस के साथ मिल जाएंगे, तो थोड़ा बहुत अगर इस पे पानी गिर जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बैटरी बैकअप की बात करूं तो अगर आप इसे TWS के साथ यूज कर रहे हो तो आपको लगभग 30 आवर का प्ले टाइम मिल जाएगा। और दोस्तों बर्ड्स की बैटरी की बात करूं तो वो आपको 3 से 4 घंटे का प्ले टाइम देने वाले है। अगर आप इसे स्पीकर के साथ यूज करोगे तो आपको लगभग 19 आवर का प्ले टाइम मिल जाएगा। कॉलिंग की बात करूं तो इसमें आउटडोर इंडोर कॉलिंग के लिए यूज कर रहा था। दोस्तों इसके माइक्रोफोन है वो काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, और स्पीकर भी काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। कॉलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दोस्तों कॉलिंग का मैं आपको रियल टाइम टेस्ट करके भी दिखा देता हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप इसे कॉलिंग के लिए परचेस कर रहे हो तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बोलो। अच्छा बिजी तो नहीं हो? नहीं हूँ बिजी। अच्छा मैंने एक ईयरबड परचेज किया है, ठीक है, जैबरोनिक का साउंड बूम X1, ठीक है, उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ। तो बताओ माइक्रोफोन इसके किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? माइक्रोफोन अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा आवाज अच्छे से आ रही है आपको? आपकी आवाज एकदम लाउड क्लियर। अच्छा डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है? नहीं कोई
अच्छा, कॉलिंग के लिए परचेज करना चाहो तो कर सकते हैं ना इसे। अब दोस्तों मेन बात करते हैं इसकी साउंड की क्वालिटी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, लगभग 2 दिन से मैं इसे यूज कर रहा हूं, मैंने काफी अलग अलग तरीके के गाने सुने स्पीकर से भी और दोस्तों इसके TWS से भी। सबसे पहले बात करेंगे इसके स्पीकर की। तो दोस्तों स्पीकर में आपको 36 mm के ड्राइवर देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आपको बेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगर आप इसे 100% वॉल्यूम पर सुन रहे हो तो आपको डिस्टॉर्शन भी सुनाई देगा, लेकिन वोकल्स वगैरह आप अच्छे से बज कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट भी काफी अच्छे से सुनाई देंगे। स्पीकर की साउंड क्वालिटी का मैं आपको एक रियल टाइम टेस्ट करके भी दिखा देता हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा इसका स्पीकर किस तरीके से वर्क कर रहा है। और दोस्तों TWS के साउंड की क्वालिटी की बात करूं तो यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आपको 13 mm के ड्राइवर देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पे आपको बेस देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों वॉइस इसकी काफी ज्यादा मुझे शार्प लगे है और वोकल्स वगैरह काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट भी आपको काफी अच्छे से सुनाई देने वाले हैं। तो अगर आप इसे TWS के साथ सुनने के लिए परचेस कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन स्पीकर के साथ सुनने के लिए परचेस कर रहे हो तो वहां पे आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो दोस्तों यही था Jabronic Jab Sound Boom X1 का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं या इसी तरीके का आप कॉन्टेंट देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब भी दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपका 100% रिप्लाई देने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।